हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट 4 आवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जिसने आपके कुछ रुपए को ओके okay, एक लाख रुपए को आई थिंक 42 लाख रुपए या 43 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया है एज वेल एज अगर हम बात करें तो उसमें 42 लाख रुपए में कन्वर्ट तो कर दिया है बट उसमें कितने रिटेल इन्वेस्टर फंसे हैं यू डोंट इवन इमेजिन एज वेल एज अगर हम बात करें तो उस स्टॉक्स में ऑपरेटर का गंदा खेल किस तरीके से ऑपरेटर फंसाते हैं किस तरीके से चीजों को ऊपर ले जाते हैं और किस तरीके से वहाँ पर फंसा के रिटेल इन्वेस्टर को रख देते हैं और रिटेल इन्वेस्टर एक बार नहीं बार बार उसमें फंसते हैं उस ट्रैप में और फंसे के फंसे ले जाते हैं चीजें अच्छी है, नजर आती है बट देखिए पेनिंग स्टॉक्स को भी चूज करने के पीछे कुछ ना कुछ उसकी वजह होनी चाहिए कुछ ना कुछ उसका बेस होना चाहिए अगर उस बेस पे आप किसी स्टॉक को चूज कर रहे हो तो ठीक है अगर आप उसके फंडामेंटल्स नहीं देख रहे हो उसके फाइनेंशियल्स नहीं देख रहे और आप ऐसे ही किसी भी स्टॉक्स में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो भाग रहा है तो याद रखिये इतने पैसे आपके बर्बाद होंगे आप कभी मार्केट से पैसे ही नहीं कमा पाएंगे

तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले ये ये, ये शेयर भागा क्यों है उसके पीछे का रीजन है इसका नाम इसके नाम के पीछे एक लिख रहा है रिन्यूएबल एनर्जी जैसी न्यूज आई कि रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा रिन्यूएबल एनर्जी 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 हर जगह एनर्जी एनर्जी हो रहा था तो एनर्जी के स्टॉक्स भाग रहे थे बट कुछ स्टॉक जेनुअन भाग रहे थे जिनका बिजनेस अच्छा था कुछ स्टॉक्स ऐसे ही भाग रहे थे जिनका ना तो बिजनेस अच्छा है ना ही फंडामेंटल्स अच्छे है पर जो वो भाग रहे हैं और यहाँ पर अगर बात करें देखिए मार्केट कैप एक सौ करोड़ रुपए का है आर की बात करें तो देखिए नेगेटिव में है डेट फ्री कंपनी है नो डाउट यहाँ पर कोई प्लेजिंग नहीं है और अब अगर बात करें तो तीन रुपए तक के शेयर को बगाया गया था और अब अगर हम यहाँ पर कुछ और पैरामीटर देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शेयर 2015 में आता हुआ दिखाई दिया उनतालीस रुपए पे और फिर इसके बाद ये चार रुपये पांच रुपये पे शेयर चल रहा था और यहाँ पर इस शेयर को एक बार नहीं दो दो बार रिटेल इन्वेस्टर्स को फसाया गया सबसे पहले यहाँ पर फसाया गया जब इस शेयर को देखिए फरवरी से लेके यहाँ पर अगस्त तक भगाया गया फिर इसे डम किया गया अच्छा खासा फिर दोबारा एक रैली इसमें ऑपरेटर के थ्रू लाई गई और यहाँ पर देखिए फिर शेयर को तीन से ज्यादा भगाया गया और फिर दोबारा यहाँ पर गिराया जा रहा है तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये

तो उनका पैसा नहीं बनता पैसा किसका बनता है पैसा बनता है ऑपरेटर का तो ऑपरेटर यहाँ पर चीजें समझिए

तो कंपनी का कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है कंपनी का या अगर बात करें नेट प्रॉफिट कंपनी यहाँ पर घाटे में अपने यहाँ पर दिखा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी यहाँ पर अगर देखे, तो आ, यहां पर इनकम होती थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है छियालीस छियालीस लाख रुपए के आसपास सत्ताईस लाख रुपए के आसपास ये चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है बट ये छोटी सी कंपनी है बड़ी मछली जैसे कि रिलायंस या फिर अडानी आएंगे तो इससे तो खा जाएंगे समझ रहे हैं तो पैसा लगाना है तो बड़ी कंपनी में लगा छोटी कंपनी में नहीं यहाँ पर ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर बिल्कुल भी दम नहीं है कंपनी और ना ही इनके पास कोई खास कैश है जो भी पैसा आता है यहाँ पर कुछ खास नहीं है आर नेगेटिव में जारी है प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.05 परसेंट है बट अगर हम बात करें पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पब्लिक के पास ज्यादा शेयर नहीं है यहाँ पर 26 परसेंट में से भी अगर हम यहाँ पर 11 12 परसेंट हता देते हैं तो यहाँ पर लगभग फिर भी 14 परसेंट रिटेल पब्लिक है और रिटेल पब्लिक में भी इसमें से कुछ ऑपरेटर होंगे जो कि यहाँ पर शेयर भगा रहे हैं की दस परसेंट का मतलब है वो पब्लिक होती है दस का मतलब काफी करोड़ रुपए होते हैं तो यहाँ पर करोड़ों रुपए कमाए बट किसने कमाए वो कमाए ऑपरेटर ने ऑपरेटर यहाँ पर एक खेल खेलते हैं और खेल खेल के यहाँ पर निकल जाते हैं और यहाँ पर फंसे रह जाते हैं हमारे मासूम रिटेल इन्वेस्टर्स देखिए हमारा आ, मैं भी पर डील करता हूँ लो, लोगों से इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कराते हैं वो भी बट मैं कभी उन्हें या इस तरीके के स्टॉक्स में फंसने राय नहीं देता हूँ हमेशा यही पूछा जाता है सर कोई तीस रुपए वाला स्टॉक बता दो कोई पांच रुपए वाला स्टॉक्स बता दो जो मल्टीपैगर बन जाए तो हर एक मल्टीपैगर नहीं होता कभी कभी मिल जाता है मिल जाता है वरना आपको मल्टीपैगर की क्या जरूरत है सिंपल आपको ऐसे स्टॉक्स आपके पास है जो 20 तीस परसेंट हमेशा हर क्वार्टर में या फिर हर हाफ ईयरली बढ़ते हैं घटते हैं तो ऐसे स्टॉक में पैसा लगाते रहिए अपना पैसा कमाते रहिए क्या फर्क पड़ता है इसमें इतना इतना जुनूनी होने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर देखिए ये यह शेयर यहाँ पर दो में इसी इसी रेंज में चलता है चार पांच रुपए के फिर बीस में यहाँ पर पैंडमिक की वजह से यहाँ पर जब ये भागा भागना शुरू हुआ ओके यहाँ पर दो हजार बीस तो इसने ऐसे ही निकाल दिया पर 2021 में जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बात हुई तो छह रुपए वाला स्टॉक्स अपर सर्किट अपर सर्किट लगा के और पर देखिए कितने तक मतलब क्या है कहने का मतलब है? यहाँ पर में चार्ट देखेंगे तो लोगों को एक बार नहीं काफी बार यहाँ पर निकलने का भी मौका मिला और लोगों को काफी बार न, यहाँ पर फंसाया भी देखिए यहाँ से अपर सर्किट चला अपर सर्किट चल के यहाँ पर देखिए अपर सर्किट खुला ओके यहाँ पर लोगों ने इन लोगों के पूरे शेयर लोगों ने खरीद लिए फिर धीरे धीरे अपर सर्किट में चला ओके यहाँ पर लोग बेच नहीं पा रहे थे यहाँ पर एक बेचने का मौका मिला होगा बट लोगों ने नहीं बेचा होगा क्योंकि मुझे पता है रिटेल इन्वेस्टर्स लालची होते हैं और जहाँ पर यहाँ पर लालच आ जा जाता है तो उनका यहाँ जब पैसा दस रुपए का बीस हो जाता है और बीस का तीस हो जाता है तो वो बेचते नहीं है वो सोचते और मिलेगा और मिलेगा तो और तो मिल रहा था उन्हें बट और, और के चक्कर में वो यहाँ पर निकल नहीं रहे थे तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर और और लोग रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया चीजें भगाई फिर यहाँ पर और रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया फिर चीजें भगाई फिर यहाँ फंसाया फिर यहाँ फंसाया फिर यहाँ फंसाया फिर यहाँ पर लोगों को आया फिर ऊपर से यहां पर फिर देखिए यहाँ पर जो अड़तालीस रुपए का स्टॉक साइस ढाई सौ रुपए पे ले गए और जब यहाँ पर करोड़ों जब यहाँ पर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फंसे होंगे और जब फंसने के बाद ये यह यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने लोअर सर्किट लगा दिया अब जो भी यहाँ पर फंसे थे ओके यहाँ पर दोबारा यहाँ पर एक बार दोबारा रिटेल इन्वेस्टर वो फंसे जिन जिन्होंने ऑर्डर लगा रखे होंगे फिर यहाँ पर देखिए लोअर सर्किट में नीचे आया और लोअर सर्किट में नीचे आने के बाद यहाँ पर लोगों ने अपने शेयर बेच दिए होंगे तो काफी लोग यहाँ पर फंसे होंगे और स्टिल यहाँ पर देखिए उन्हें तो फायदा हो रहा होगा जो नीचे वाले हैं बट स्टिल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फिर दोबारा फंसा फस, के ऊपर की तरफ ले जाया गया और यहाँ पर देखिए मौका दिया था एक हद हदवार निकलने का बट यहाँ पर लेकिन निकले नहीं होंगे लोग यहाँ पर फिर दोबारा एक दो दो तीन जो लोग हैं जो रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने ऑर्डर लगा रखे होंगे फिर वो फंसे होंगे और फिर यहाँ पर से देखिए फिर लोअर सर्किट अब चालू हो गया और लोअर सर्किट में चालू होने का मतलब है अब यहाँ पर देखिए ना तो रिजल्ट अच्छे हैं ना कुछ अच्छा है ओके okay, और यहाँ पर बार बार ऐसे स्टॉक्स के बारे में जब न्यूज आती है सब आता है तो यहाँ पर इस स्टॉक्स को अब दोबारा चार रुपए पांच रुपए और जिनका पैसे है वो तो निकलते रहेंगे जो ऑपरेटर है वो निकलते रहेंगे और आप लोग यहाँ पर फंसे रह जाएंगे तो यहाँ पर सिंपल सा गेम फंसाने वाला होता है जहां पर ना तो आपको बिजनेस दिखाई दे रहा है जहाँ ना आपको जान दिखाई दे रही है स्टॉक्स में ना ही इसमें कुछ ऐसा बेहतरीन नजर आ रहा है कि ये शेयर केवल ऊपर ही जाना चाहिए नीचे आना ही चाहिए तो ऐसे स्टॉक से हमेशा बचना चाहिए लालची मत बनिए डोंट बी ग्रीडी सिंपल थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मार्केट से कमाते रहेंगे तो कंपाउंडिंग होकर वो पैसा यहाँ पर आपके करोड़ों बनेंगे कंपाउंडिंग से पैसे करोड़ों रुपए बनते हैं इस तरीके से अगर आप चुनेंगे ऐसे स्टॉक को चुनेंगे और यहाँ पर लगाए रहेंगे तो यहाँ पर आपके ना तो कंपाउंडिंग होगी आपका जो पैसा है वो मिट्टी मलित हो जाएगा और आप यहाँ पर कोई भी पैसा मार्केट से कभी नहीं कमा पाएंगे आज लिख के ले लीजिए ये चीज कोई नहीं बताता तो इसलिए ऐसे शेयरों में मत फंसी बड़े शेयर खरीदिए जेनुअन शेयर खरीदिए अच्छे स्टॉक्स यहाँ पर बताए जाते हैं यहाँ पर डेली बेसिस पर देखिए इतने सारे स्टॉक्स बताए जाते हैं यहाँ पर आप देखेंगे इतनी वीडियोज बना रखी है जाके एक, एक बार चेक करिए समझिए चीजों को आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से आप यहाँ पर आ, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इसके लालच में मत पड़िए कि एक लाख हो गया एक लाख दो लाख भी हो जाता Okay, एक, लाग, एक, लाग पचास था, एक साल में बहुत बेहतरीन रिटर्न माने जाते हैं और बट ऐसे एक लाख पचास हजार कंटिन्यूटी के साथ होते रहेंगे ना तो वो आपके कंपाउंडिंग कर करके आपके जो ग्रोथ है उसे इस तरीके से बढ़ाएगा कि आप जब दस पंद्रह साल बीस साल बाद देखेंगे तो करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में होंगे तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है बस चीजें समझाना होता है कि किस तरीके से ऑपरेटर यहाँ पर चीजों को बेकार करते हैं लोगों को फंसाते हैं और आप लोग फंस के रह जाते हैं तो यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें सपोर्ट करें हमें जितना हो सकता है हमारी पर्सनल सर्विस चाहिए तो नीचे नंबर दे रखा है कॉन्टेक्ट कर सकते सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस